फाइनली भाई गुड मॉर्निंग गाइस एक मिनट भाई ये सिंचाई पेंशन चौक पर ऊपर चढ़े पड़े हैं क्या उसको तो इतनी जोर से दबा पड़ा हूँ मैं अबे सिंचाई पेंशन चौक के बच्चे हटो ऐ ये क्या आ, अरे बाप रे ये किसकी आवाज़ आ रही है ये, ये क्या सामने ओह माय गॉड मैं अपने घर में ही हूँ ना हो रही ये, 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 ये तो शेर है

ये कोई सीक्रेट डोर है और मुझे वार्निंग दी गई है और तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं हाँ सुबह सुबह मेरे ऊपर भूखे शेर छोड़ते हो वो भी नकली शेर आप लोग जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब शुक्र की बात तो है भाई वो लायंस जो थे वो नकली थे असली होते तो मैं आपके सामने नहीं दिख रहा होता आज अरे बापरे ये डोर खुलता क्यों नहीं है कैसा सीक्रेट डोर है भाई ये वैसे सीक्रेट डोर तो नहीं लग रहा मुझे ये सिंचाई मिर्जा चौप ने उल्लू बनाया इसके अंदर ज़्यादा कुछ होगा नहीं भाई मैंने तो आज तक इस डोर पे कभी भाई ध्यान ही नहीं रखा इवन चौप के घर के पास है एग्जैक्टली ये काइज मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा सिंचयन मिर्जा चौप बाहर निकलो तुम्हारी चोरी यहाँ पे पकड़ी गई तुमने मेरा उल्लू बनाया तुमको छोड़ूंगा नहीं काइज हम ना कुछ ऐसा वेपन ढूंढते हैं जिसके इस्तेमाल से हम उस डोर का लॉक तोड़ पाएं उस डोर को ही तोड़ पाएं उसके बाद तो सिंचाई मिर्जा चौक को हम ढूंढ ही लेंगे क्योंकि देखिए पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया अरे ये गन हा गाय चलियो एक काम करते हैं इसी गन का इस्तेमाल करके उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर डालते हैं वेपन बोल रहा हूं भाई मैं भी सुबह सुबह क्या हो गया है मुझे एक तो पता नहीं कैसा दिन निकला आज मेरा मैं आप सभी से गुड मॉर्निंग बोल रहा था और सुबह सामने भाई दो बड़े भूखे शेर दिख गए खैर अब भी देखो मैं इस वाले वेपन से कैसे डोर की बैंड बजाता हूं तब देखता हूँ कौन सा सीक्रेट डो रही ऐसे कौन से सी सीक्रेट छुपे हुए हैं इसमें कि कोई अंदर गया तो भाई उसको मार दिया जाएगा अरे अरे खुल 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 भाई साहब ये डोर है कि पत्थर यार पत्थर भी टूट जाता है इतनी गोलियां बजाने पे तो और ये देखिए जस्ट स्क्रैचेस आ रही हैं और भाई उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसको नहीं यार आप क्या मेरे को यहां पर बॉम्ब से ही स्वागत करना पड़ेगा स्टोर का

मतलब अगर कोई अंदर कमरा है रूम है कुछ भी है तो उसमें पूरे में पानी भरा पड़ा है और ये वार्निंग किसने कि इस को मत चौप। अरे तुम लोग ठीक तो होना अब मुझे सिंचन बिंचन चौप की चिंता होने लग रही है भाई सुबह सुबह का टाइम है इतनी जल्दी वो सो कर नहीं उठते और वो घर से गायब है ये डोर कहाँ से आ गया वो नकली शेर कहाँ से आ गए भाई ये सब क्या चल रहा है मेरे हिसाब से हो सकता है गाय सिंचनचन चौप आसपास के किसी पड़ोसी के घर पर जाके खेल रहे हो ये भी तो हो सकता है बाकी चलो मैं एक और बार नजर मार लेता हूँ देखिए मेरे रूम में तो पत्थरी पत्थर ही पत्थर पड़े हैं और वो नकली प्रोजेक्टेड वाले लायंस पड़े हैं और कुछ नहीं है और बाकी घर में सिंचा बिंच का कोई नामो निशान नहीं है एक काम करते हैं गाइस हम ना घर से बाहर जाकर किसी आसपास के अंकल आंटी से पूछ लेते हैं कि उन्होंने दो बच्चों को और एक कुत्ते को देखा है क्या अगर उन्होंने देखा होगा तो बढ़िया ही होगा क्या पता वो स्कूल चले गए अरे नहीं उनकी तो ठंडों की छुट्टी चल रही है भाई वैसे तो ठंड अब चली गई है ऑलमोस्ट बट फिर भी छुट्टी चल रही है स्कूल

उनको घर में ही भाई किडनैप कर लिया गया ऐसा तो नहीं है सिंचयन बिंचन चौप को किसी ने गायब कर दिया हो और मेरे को डराने के लिए वो नकली शेर रख दिया <laughs> कहा गए अरे चौप देखो भाई ये वाला बहुत ही बढ़िया है यहाँ से लिटरली बैंक का एक एक भाई बिल्डिंग का जो फ्लोर है ना मुझे क्लियर दिख रहा है अरे भैया हमें भी दिखा अरे ना यार अब क्या होगा सिंचयन बिंचन चौप के बिना मैं क्या करूँगा हल्को लगी है बहुत सारी भूख इसलिए हल्क ने सोचा क्यों ना काम पर जाने से पहले हल्क फ्रैंकलिन घर पे कुछ पेट पूजा कर ले अरे ये क्या

ओ oh नो no, तो यहाँ पर इस डोर को तोड़ना होगा हमें अरे, हम बचाओ, बचाओ। अरे नहीं हल्क तुम लोगों को बचा देगा बच्चा लोग हल्क इस सीक्रेट दरवाजे को तोड़ के रहेगा पता करके रहेगा फ्रैंकलिन ने तुम लोगों को सीक्रेट डोर के अंदर क्यों बंद किया है हल्क फोड़ेगा हल्क इस दरवाजे को नहीं छोड़ेगा हल्क इसको फोड़ कर रहेगा किसी भी मेहनत ये ले ये ले ये ले। तो तो कर ली लेकिन ये डोर टूटने का नाम नहीं लेता अगर ये डोर टूटेगा नहीं तो हल्क इस डोर को खोल के रहेगा हल्क पत्थर से डोर खोल देगा ये ले अरे जल्दी कीजिए हम मर जाएंगे बचा ये हमेंगे हल्क हल्क बचाएगा तुमको कौन मार रहा है तुमको हल्क उसको छोड़ेगा नहीं ये कैसा डोर है आ, हल्क को तो उसने थका दिया अब हल्क सुपर हल्क पंच स्मैश करेगा हल्क का निशाना गलत है पर इरादे सही हैं हल्क यहाँ पर हो कर है। हल्क पर सक्सीड होकर रहेगा फ्रैंकलिन के सीक्रेट डोर को तोड़कर सिंचन पिंचन चौब बच्चा लोगों को बचा लेगा जल्दी से ये जो भी है हम है। है। दोस्तों हल्क के लिए वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब हल्क को आप सभी की ताकत चाहिए हल्क इस डोर को तोड़ कर रहेगा अरे बापरे हल्को तो जोर का गुस्सा आया उस वजह से ये डोर खुल गया ये क्या इस डोर के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है उसके अलावा कुछ नहीं है हल्क बड़ा है और ये सीक्रेट डोर छोटा है हल्के इसके अंदर कैसे जाए हल्क को तो कुछ समझ नहीं आ रहा हल्क को इसके अंदर जाना चाहिए तभी जाके पता चलेगा कि इसके अंदर सिंचन पिंचन जॉब क्या कर रहे हैं आ रहा है आ, अरे बापरे हल्क को बचाओ हल्क तो खुद फंस गया हेल्प की हेल्प करो हेल्प करो हल्की की हा, हा ये क्या बचाओ हमें दोस्तों मुझे जल्दी से अवेंजर्स के पास चलना पड़ेगा हो सकता है भाई मैं ज्यादा सोच रहा हूँ सिंचन

कैसे हो सकता है वह भाई ये लोग क्यों रो रहे हैं हेलो अवेंजर्स सब कुछ ठीक तो है ना भाई मैं तो यहाँ इन लोगों को अपनी परेशानी बताने आया था कहीं ऐसा तो नहीं है शॉप ने कुछ शरारत कर दी हो कुछ तोड़ फोड़ दिया हो इनका हेलो बताओगे अब देख तो लो मैं सामने हूँ क्या बताए भाई <laughs> हल्क चला गया उड़ी <laughs> की कसम हल्क आज पहली बार काम पर जा रहा था काम पर एक मिनट हल्क काम कब से करने लग गया अरे आज उसकी जॉब लगी थी लेकिन हमने कंपनी में फोन करके पूछा तो पता चला हल्क वहां आया ही नहीं है बिल्कुल लगता है हल्क को किसी ने किडनैप कर लिया व्हाट अबे यही तो मैं तुमसे कहने आया था सिंचन चौप यहाँ आए थे क्या क्या अरे नहीं भाई वो लोग तो तेरे घर पे होंगे ना अरे नहीं यही तो परेशानी है सिंचयन मिंजन चौप नहीं है नहीं है एक मिनट अबे एक मिनट ऐसा तो नहीं है भाई वैसे हल्का जो ऑफिस है वो तेरे घर के आसपास ही पड़ता है तो हो सकता है वो ऑफिस में जाकर तेरे घर चला गया हो हाँ, हो सकता है मुझे तो लग रहा है फ्रैंकलिन तेरे घर में ही कुछ गड़बड़ है भाई चल 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 जल्दी चलना पड़ेगा देखना पड़ेगा ये सिंचयन चौप और साथ साथ में हल्क कहाँ गायब हो गए दोस्तों अगर आपको लगता है कि फ्रैंकलिन के घर पर ही हल्क गया था तो जल्दी से कमेंट में यस लिखिए मुझे तो बहुत चिंता हो रही है यार टोनी जल्दी चल हम लोगों को कुछ भी मिले अपडेट तो बताना बता देंगे हम फ्रैंकलिन पहले सच सच बता

ये नया दरवाजा से आया और इस पे भाई साहब इतनी सारी गोलियों के निशान क्यों हैं? और ये खुल क्यों नहीं रहा है वही तो दिक्कत है ये दरवाजा खुलने का नाम ही लेता है मुझे लगा था सिंचे इसी के अंदर छुप गए हैं क्या मतलब इसके अंदर छुप गए हैं ये खुलने का नाम ले नहीं रहा है वो छुप कहां से जाएंगे हो सकता है ये दरवाजा खुला हो और वो लॉक हो गए अंदर से बटन की आवाज तो मुझे नहीं आ रही ऊपर से टोनीस दरवाजे पे एक वार्निंग भी थी कि इसको दरवाजे को अगर खोलने की कोशिश करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा वट और भाई साहब इस दरवाजे पर कोई लॉक ही नहीं है तो ये लॉक कैसे हुआ पड़ा है काय ये तो कोई बड़ी मिस्ट्री है भाई या फिर हो सकता है ये प्रैंक ही हो ये बस दीवार हो बस दरवाजे पेंट कर दिया हो यह भी तो हो सकता है ये भी हो सकता है बाकी और बता बाकी हाँ मेरे घर को देख जाके तू भाई मतलब मेरे बेडरूम को वहां पर कितने सारे पत्थर पड़े हैं भाई साहब इतने सारे पत्थर कौन रखकर गया भाई यहां पर फ्रेंकलिन मेरे को तो लग रहा है ये किसी तरह एनिमी की साजिश है भाई ये किसी ने ना जान कर तेरे को उल्लू बनाने के लिए सब हरकतें की हैं और सिंचन विंचन चौप को किडनैप कर लिया गया हमें जल्द से जल्द जाके इस बारे में रिपोर्ट कर देनी चाहिए पुलिस को अरे पुलिस क्या ही कर लगी टोनी जो भी करेगा तू ही करना भाई एक मिनट मुझे उधर से किसी की आवाज आ रही है फ्रेंकलिन जल्दी आइयो मेरे पीछे मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है कहाँ से तेरे घर के आसपास से किसी की आवाज आ रही है किसी के जोर जोर से हंसने की हाँ बहुत मजा आ रहा है हे, हे, नाचो नाचो अबे ये तो हल्की आवाज है स पास क्या हल्क अरे हल्क नहीं है मतलब है तो ये हल्क ही बट ये कौन है भाई अब ये तो रेड हल्क का बड़ा भाई है गॉड रेड हल्क गॉड रेड हल्क मिनट ये तो पिछले दो तीन साल से मैंने देखा वही तो मैं कह रहा हूं तभी तो उसकी आवाज में चैनने में नहीं आई थी मसाही क्या क्या बढ़िया रिमोट कंट्रोल कार है What? Franklin, अबे ये रिमोट कंट्रोल कार तो पहचान लग रही है जानी पहचानी क्या ये सिंचेन की रिमोट कंट्रोल कार है टोनी तो सही कह रहा था ये वापस आ गया और पक्का इसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी फैमिली को ना कहीं गायब कर दिया है और भाई हल्क को भी गायब कर दिया है

मेरे सिंचेन की रिमोट कंट्रोल कार चुराने के लिए उसको कहां पर गायब कर दिया ए? के, 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 किसको गायब कर दिया क्या 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 कह रहे हो ये रिमोट कंट्रोल कार तो मुझे उस पार्क में मिली थी मैं सच्ची बोल रहा हूं अबे बता, वो सीक्रेट का क्या राज है? कौन सा सीक्रेट डोर फ्रैंकलिन के घर में एक डोर आया है उससे पहले तो वो दीवार थी वही तो ऊपर से भाई मेरे घर में खतरनाक शेर कौन डाल के गया क्या अब तू पागल है क्या लायन कौन डाल सकता है तेरे घर में मतलब नकली शेर थे वो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर भी है मैं सच्चे बोल रहा हूं मुझे नहीं पता तुम चाहो तो मुझे जेल में डाल दो भाई ये कलवा कहां पर गया भाई मैं पिछले तीन घंटे तो तो भाई 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 चला गया कलवे ने तो पूरे घर की बैंड दी अबे सिंचन बिंचन कहा पर हो तुम लोग ये सिंचन बिंचन के बच्चा आज बंक कर गए आज स्कूल गए नहीं मुझे खुद जाना पड़ा ऊपर से मैं अपना बैग भी भूल गया तो स्कूल वाले ने मेरे को भगा दिया अबे अब ये क्या मेरे घर के पास यहाँ पर एक और घर आ गया ये क्या चल रहा है अब मैं तो ये छोड़ूंगा कहाँ पर है तू मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कलवा है आप लोगों में पता है तो जल्दी और ये इसके अंदर से तो भाई साहब सिंचन बिंचन की आवाज आ रही है अब कौन है इसके अंदर भाई ये क्या चल रहा है मेरे को तो लगता है सीक्रेट डोर है कोई और इसके अंदर खजाना वजाना हो सकता है मुझे इसके अंदर जाना चाहिए क्या बोलते हो जल्दी बताओ या फिर लोन को अरे 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 ये तो खुल गया भाई वो ये क्या वो इसके अंदर तो अधेरा है वो कल फ्रैंकलिन तो उसके अंदर है क्या बचाओ को बचाओ वो इसके अंदर से तो हल्की भी आवाज आ रही है भाई

लेकिन भाई मैंने उसको खोलने की ऑलरेडी बहुत सारी कोशिश कर ली इवन तूने भी वो तो खुलने का नाम ही नहीं लेता हो सकता है कोई बटन हो जिसको हमें दबाना पड़े और वो अनलॉक हो जाए बहुत तो तूने सही कही पहले वो जो टाइगर टाइगर नहीं वो लाइन वाले जो प्रोजेक्टर थे वो भी भाई ऐसे लग रहा था एकदम असली पर मैंने प्रोजेक्टर का जैसे ही बटन दबाया तो वो बंद हो गए आई थिंक ये हो सकता है ये जो सीक्रेट डोर है इसके आसपास भी कोई इसको अनलॉक करने का बटन हो और इसको अनलॉक करके हम इसके अंदर जा सकें क्या बोलते हो गाय इसे ट्राई करें कॉमेंट में येस या फिर नो लिख के बताइए बाकी मैं उम्मीद करता हूं भाई अगर सिंचाई विजय शॉप इसके अंदर है भी तो वो सेफ हो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है टोनी भाई एक मिनट टोनी अभी ये क्या है ये तो नया पेपर लगता है अरे पहले तू तो नहीं था यहाँ पर ये और पिछले वाले पेपर को तो मैंने फाड़ के फेंक दिया था पढ़ 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 क्या लिखा है उसमें पढ़ पढ़ डू नॉट ओपन दिस सीक्रेट डोर और यू विल साहब अगर इस डोर को खोला तो हम मर सकते हैं क्या अब ये एंड तो? तो चिट्स ही, पर कोई कर जा रहा है जैसे कि हम इस को ना खोले बट अब हंड्रेड परसेंट इस डोर के बच्चे को खोल के रहूंगा टोनी जल्दी बताना भाई इस डोर को कैसे खोले फ्रेंकलिन मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर कोई खतरनाक वेपन चाहिए भाई इस डोर को अनलॉक करने का क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये डोर अब नॉर्मल तरीके से अनलॉक हो जाएगा तो अब क्या करें मेरे घर में कोई ग्रेनेड बॉम्ब या फिर रॉकेट लॉन्चर या फिर आरपीजी है आ, मुझे याद तो नहीं है बट हां तो स्टोर रूम में चेक कर सकता है स्टोर रूम में जाने के लिए भाई पहले तेरा बेडरूम क्रॉस करना पड़ेगा भाई साहब अब ये तो आरपीजी सामने ही पड़ा है यहां पर खैर अच्छी बात है चलो स्टोर रूम में चूहे हुए मिलते हैं उनसे और दिक्कत चलो गाइस जल्दी चलते हैं और जाकर आरपीजी का कर इस्तेमाल करके उस सीक्रेट डोर को भी खोलते हैं फेंकते हैं उसको और फाइनली पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या सीक्रेट शोपा पड़ा है ले कौन है जो हमें इसके अंदर घुसने नहीं देना चाहता और भाई क्या सच में सिंच हल्क ये सब लोग जो गायब हुए हैं इसके अंदर हैं वो भी हमें पता लग ही जाएगा वैसे आपको क्या लगता है

Hulk, जितने भी लोग उस सीक्रेट डोर के अंदर घुसे हैं भाई उनको बचा पाए और यह भी बता कर पाए कि उसके अंदर ऐसा कौन सा राज है कि कोई चाहता ही नहीं उसके अंदर जाए और अंदर जाए तो कभी जिंदा नहीं बच पाए भाई तो मुझे तो ड्रेस बात का है कि अगर चौप और हल्क उस डोर के अंदर गए तो भाई वो ठीक भी होंगे नहीं अब कैसी बात कर रहा है वो ठीक ही होंगे लिटरली में भाई वो जिंदा ही होंगे चल तू जल्दी कर हमें जल्दी से अब से पूछना पड़ेगा कि वो आयरन मैन का सूट कहां पर है बस 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 ही लिए अरे अरे बाप रे एक तो तेरी कार मुझसे ठीक से हैंडल करनी नहीं आती टोनी अवेंजर्स ये क्या वो तो यहीं खड़े थे लास्ट टाइम वो तो ठीक है बट अब कहां पर है और मेरा आयमेन का सूट नो 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 कहीं ऐसा तो नहीं है अवेंजर्स ऑलरेडी आयम के सूट को मिलिट्री बेस डिलीवर करने निकल गए हो ये हो सकता है

कहाँ गया तू भाई अरे हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इससे पहले कि अवेंजर्स उस आयरन मैन के सूट को किसी को डिलीवर कर दे तो भाई हमें जल्दी से उनसे लेना पड़ेगा कहां पर है तू अरे टोनी में तो उधर ही खड़ा हो कहां पर मेरे को तो नहीं दिख रहा तू अरे वो रहा चल भाई जल्दी चलना पड़ेगा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है हमें जल्द से जल्द उस सीक्रेट डोर को खोलना पड़ेगा जिससे कि हम यहां पर यह पता कर पाए कि सब लोग उसके अंदर जाकर भाई वहां पर क्यों फंसे पड़े मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं भाई यहां पर ऐसा ना हो कि सच में अवेंजर्स भी गायब हो चुके हूँ वही तो मैं कह रहा हूं मेरे को तो लगता भाई अवेंजर्स मिलिट्री विलिट्री बेस नहीं गए वो गायब भी हो गए नहीं नहीं नहीं, नहीं फ्रैक्लिन फिरता तो हूँ जल्दी से अवेंजर्स का पीछा करना पड़ेगा चल जल्दी आ जा जल्दी आ जा उम्मीद करता हूँ अवेंजर्स ठीक हों और यहाँ पर साथ साथ में सिंचर मिंच चौप भी और वो मेरा मैन का नया सूट भी चल दिया भाई हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है चल टोनी जल्दी बैठते हैं और भाई चेक करते हैं कायिज अब पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर अवेंजर्स हैं एक मिनट फ्रैंकलिन ये मेरे फोन में जीपीएस की लोकेशन से मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ मैन का सूट मिलिट्री बेस नहीं है वो तो असल में ये किसी बर्गर एंड पिज्जा के रेस्टोरेंट की शॉप या फिर कुछ फैक्ट्री के आसपास है व्हाट भाई साहब अभी तो कहाँ जा रहा है मिलिट्री बेस तो पीछे है वही तो मिलिट्री बेस है ही नहीं वही मेरा एमएन का सूट मुझे लगता है एमएन का सूट चोरी हो गया अवेंजर्स को भी पक्का उन्हीं लोगों ने गायब किया है जिसकी वजह से अवेंज बाकी सिंच हल्क गायब हुए हैं बहुत तो सही गई बट लोकेशन आ रही है यहीं कहीं की राइट साइड ओ देख मैं सही था भाई साहब ये देख ये कोई होटल या मोटेल लगता है मुझे और यहाँ पर रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट भी है और देख भाई वो रहा मेरा का सूट वही है भाई हमारे ताले की चाबी अब यही सूट हमें इतनी पावर दे सकता है जिसके इस्तेमाल से हम सीक्रेट डोर को तोड़ फोड़ सकते हैं और उसके अंदर फंसे लोगों को बचा सकते हैं और उसका राज भी पता कर सकते हैं ये भी पता कर सकते हैं कि वो डोर है क्यों यहाँ पर बाकी ये सूट को अवेंजर्स तो नहीं लेके आए यहाँ पर अबे ये तो गोल्डन रिवेंजर हल्की आर्मी है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता बट पहले यह बता अब हम इस मैन के सूट को इनसे छीने कैसे अब वो तो ठीक है बट अवेंजर्स कहां पर गए मैं काम करता हूँ टोनी मैंने इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ गोली से बाकी तू आयरन मैन का सूट पहनकर इनकी बहन बैंड बे चलो निकले अरे, अरे, गए भाई साहब मैंने ज्यादा ही पावरफुल समझ लिया था हमने तो इनकी आसानी से बैंड बजा दी टोनी चलो भाई जल्दी आ इस आयरमैन के सूट को पहनकर अब भी के अभी सीधा स्टार्क मेंशन अरे अब स्टार्क मेंशन नहीं अब तुम्हें मेरे घर जाना है लेकिन भाई अवेंजर्स कहां पर गए मुझे उनकी चिंता हो

अच्छे हैं और लिटरली में भाई मासूम है तो उनका लिटरली में कोई भी फायदा उठा सकता है यार बात तो सही गई तूने फ्रैंकलिन चल कोई नहीं हम जल्द से जल्द ही गए हैं यहाँ पर ऑल राइट अब हम फाइनल ले चुके हैं अब सारे के सारे सच हमें पता चली जाएंगे अब जल्दी से सूट को मैं एक्सेस करता हूं। उसके बाद हम उस सीक्रेट डोर पे पूरी पावर से हमला करके उसको चूर चूर कर देंगे और अंदर फंसे हुए लोगों को बचा कर रहेंगे चल टोनी भाई जल्दी कर ऑल राइट मैं उसको पहन लिया है इस सूट को पहनती सब कुछ कितना छोटा छोटा लग रहा है गाइस देखिए ऊपर आयरन लेजर अटैक वॉइस ऑफ अबे यार ये फ्रैंकलिन की छत सामने आ रही है मेरे एक एंगल सही नहीं मिला ये वाला एंगल ये ले ये ले ये ले अबे टोनी क्या कर रहा है मेरा पूरा घर जलाएगा क्या भाई ये डोर पे तो असर हो नहीं रहा पर मेरा घर जले जा रहा है ओ नो यार मैंने सोचा था एक ही अटैक में यहाँ पर वो सीक्रेट और खुल जाएगा बट ये तो फ्रैंकलिन के घर की और हालत खराब हो रही है ये क्या अब ये ये डोर तो उल्टा रिपेयर हो गया भाई इस पे पहले गोलियों के निशान थे ये मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अब मैं सुपर मिसाइल रैपिड अटैक करने वाला हो और यहाँ पर इस डोर की धज्जिया कुछ नहीं हो रहा है। ये डोर नहीं खुल रहा ऊपर से भाई मेरे घर का नाश हो रहा है तो चिंता मत कर मैं तेरे घर को दोबारा बनवा दूंगा एक बार ये सीक्रेट डोर खुल तो जाए अब किस खेत की मूली है भाई ये सीक्रेट डोर जो खुलने का नाम ले रहा अरे सुपर रेडिएशन अटैक एक्सप्लोजन अटैक अरे कुछ भी नहीं हो रहा यार मैंने अपने सूट की ऑलमोस्ट 99 नाग्ट परसेंट पावर यूज कर ली

बट इसके अंदर आते ही मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी सीक्रेट टनल में आ चुका हूँ साहब यार ये डोर पूरा वुड का है और इसकी वॉल भी अंदर से पूरी वुड की है पर कितना मजबूत था ना गाइज बिना नॉर्मली अनलॉक किया भाई टूटने का नाम ले रहा था और गाइज ये टनल तो भाई मुझे सौ डेढ़ सौ साल पुरानी लग रही है ये क्या वो भाई साहब सुपर कार्ड्स इस सौ साल पुरानी टनल में

अरे यार औरे ये क्या हाँ हाँ हाँ, मजा क्या? हल्क ने यहाँ पे तोड़ फोड़ की और हल्क ने इस टनल के अंदर से हीरे निकाले अरे मैंने तो सोने निकाले मैंने तो मेरी है मैंने बताया क्या भाई टोनी स्वागत है तेरा हमारे खाने के खजाने में खाने का खजानी भाई ये तो असली वाला खजाना है ओबे भाई ये टनल है कि भाई साहब ट्रेजर टनल भाई साहब ये इतना सारा सोना डायमंड और मेरा स्नो दस साल पहले का आयरन आयरन मैन नहीं का चोरी था वो भी यही है इतनी सारी सुपर कार्स भी है मुझे तो लगता है ये किसी चोर का ठिकाना है जो यहां पर छुप कर रहता है जो कि अब के घर से यहाँ पर टनल का रास्ता बनता है बात तो सही अगर आप चाहते हैं इस टनल को इस सीक्रेट डोर को और एक्सप्लोर करें तो कॉमेंट में पार्ट टू लिखिए जल्दी कमेंट में फाइव कमेंट कंप्लीट कीजिए थैंक यू सो मच